देखिए हम लोग की फर्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो आप जो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ें तो उससे करस्पॉन्डिंग हार्मोन कौन से निकलते हैं, और दूसरी बात उससे रिलेटेड जो डिजीज हैं उनको कोरिलेट करेंगे। अगर आप इतना कर लेंगे तो लगभग 70-80% आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे कॉमन गलती होती है वो यही होती है कि हम हार्मोन के नाम भूल जाते हैं कहाँ से निकलते हैं, और अगर याद रहते हैं तो उससे रिलेटेड डिजीज आपकी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। थायराइड ग्लैंड को अगर हम लोग देखें तो सर ये सिर्फ एक बाईलोब्ड ग्लैंड है, लाइक दिस। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा तब भी उसकी फोटो ऐसी ही बनी हुई है, बट टेक्स्ट बुक में दो व्यू बने हैं, एक डॉर्सल व्यू और एक वेंट्रल व्यू। तो हम आपको सिर्फ डॉर्सल व्यू दिखा सकते हैं। डॉर्सल व्यू इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू है एक ही तरह, लेकिन डॉर्सल व्यू देखेंगे तो यहां पर आपके पास ऐसे चार छोटी छोटी ग्लैंड और पाई जाएंगी। यस, इनका नाम है पैराथायरॉइड। तो अभी तो हम आपको सिर्फ थायराइड पढ़ा रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड की जो विशेषताएं हो गई वो एक तो शब्द आया दैट इज बाईलोब्ड, लेकिन ये दोनों लोब हैं हमारी मुट्ठी जैसा समझिए, जैसे हम ऐसे मुट्ठी दिखा रहे हैं ये बाईलोब्ड है, लेकिन बीच का हिस्सा जो है ये यहां पर, इसको एक नाम देते हैं हम लोग एस्थमस। इससे पहले भी कभी आपने एस्थमस कहा होगा। एस्थमस का मतलब होता है किसी दो चीज को कनेक्ट करता हुआ। आप ना बोलो, जैसे जगह थी हमारी फेलोपियन ट्यूब, जहां तीन पार्ट आपने पढ़े होंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और एस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब के जो मुख्य पार्ट थे वो दो ही थे, इनफंडिबुलम और एम्पुला। इनफंडिबुलम से आप अंडे को रिसीव करते हो, एम्पुला वाली जगह पे फर्टिलाइज करते हो। एस्थमस तो खाली उनको कनेक्ट करता है, जो आपने फर्टिलाइज कर लिया एग को उसको कनेक्ट करके यूट्रस तक पहुंचाता था। तो आज भी हम वही कह रहे हैं, तो कह सकते हैं बाइलोब्ड है एंड दैट इज कनेक्टेड टू द एस्थमस। दूसरा पॉइंट आता है कि सर ये इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो हमारी गर्दन में है, लेकिन गर्दन में एक जगह है C5 से लेकर के T1 के बीच में, इसी बीच में पाई जाती है, यानी लगभग यहां पांचवी सर्वाइकल से लेकर पहली सर्वाइकल थोरैसिक के बीच में, ऑन इधर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों तरफ होती है। अगर हम आपको ऐसे ट्रैकिया दिखाते इस तरह से गर्दन में, तो हम अपनी ग्लैंड को सर इस तरह से दिखा पाते। वेंट्रल व्यू दिखाते तो पूरा दिखाते, डॉर्सल व्यू दिखाते तो आधा दिखाते, तो दोनों साइड की तरफ है। तो आपकी किताब में इसलिए दो डायग्राम बनाए गए हैं ताकि पैराथायरॉइड के साथ आप कोरिलेट कर सकें। तो पॉइंट हमारा हो गया बाइलोब्ड ग्लैंड है, कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एस्थमस, लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द C5 to T1 ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। लेकिन हम थायराइड का सेक्शन भी काट के आपको दिखाएंगे। थायराइड का अगर हम सेक्शन काटें तो थायराइड के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लाइक दिस। जब हम ऐसे इसका एलएस में काटेंगे तो ऐसे लंबे लंबे, लेकिन अगर हम इसका सेक्शन काट के इसको आपके तरफ कर दें तो ये आपको ऐसे गोल गोल से दिखाई देंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। तो इनमें किसी एक ट्यूब्यूल को आप अगर थोड़ा डिटेल में बना के देखें, ऐसे कई सारे ट्यूब्यूल होंगे, इनको हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल्स। क्योंकि थायराइड पढ़ रहे हैं तो आप नाम दे सकते हो थायराइड फॉलिकल। अब जाहिर है इसकी जो सेल्स होंगी वो फॉलिकुलर सेल्स होती होंगी। इनके बीच का हिस्सा, ये जो थायराइड फॉलिकल आप देख पा रहे हो, इनके बीच का हिस्सा यस कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए। तो कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है स्ट्रोमा। कभी ओवरी में भी आपने स्ट्रोमा पढ़ा होगा, तो वो सिंपल एक कनेक्टिव टिश्यू के लिए रेफरेंस में लिख सकते हैं। लेकिन इसी स्ट्रोमा वाले पार्ट में देखें, कई जगह पर हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, यानी फॉलिकल के चारों तरफ कुछ इधर उधर बिखरी हुई सेल्स पाई जाती हैं।
सो इनका नाम बड़ा अच्छा है, इनको हम लोग नाम देते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो अब हमारे टॉपिक पे आ गए हम, यानी कह सकते थे हमारा थायराइड जो है वो थायराइड फॉलिकल और फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है इसमें, एंड अलोंग विद द पैरा फॉलिकुलर सेल्स। हमें यहां पर दो हार्मोन आपको पढ़ाने हैं, तो यहां से जो हार्मोन निकलता है थायराइड फॉलिकल से अलग हार्मोन है और इनसे एक अलग हार्मोन है। थायराइड फॉलिकल के दो हार्मोन हैं, एक का नाम कहलाता है टेट्रा आइडो थायरोनिन और दूसरा नाम कहलाता है ट्राई आइडो थायरोनिन। बहुत जरा सा अंतर है, ये टेट्रा आइडो है तो आप T4 कहते हो और ये ट्राई आइडो है तो आप इसे T3 कहते हो। लेकिन अगर अपने आप एनसीईआरटी देखोगे तो लिखा रहेगा टेट्रा आइडो थायरोनिन, जहां लिखा है उसी के आगे थायरोक्सिन लिखा है और ट्राई आइडो के आगे थायरोक्सिन नहीं लिखा है। उसकी वजह जाने, ऐसा थोड़ी ना कि थायरोक्सिन सिर्फ इसे कहते हैं इसे नहीं कहते, दोनों थायरोक्सिन है। लेकिन आपकी किताब में इसलिए लिखा है कि ये जो T4 सिक्रीट होता है ये तकरीबन 65 से 90% होता है अपने कंसेंट्रेशन में, और ये सिर्फ होता है दैट इज 10 से 35%। तो अगर कभी आपको प्रेफर करना हो तो थायरोक्सिन उसको प्रेफर कर दीजिएगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये थायरोक्सिन नहीं है। तो ये दोनों थायरोक्सिन है, लेकिन बोलचाल में आपकी किताब के हिसाब से चलें तो हम सिर्फ इसे थायरोक्सिन कहने जा रहे हैं, क्योंकि जो सिक्रीट हो रहा है उसमें T4 ज्यादा है। तो एक कभी चॉइस बनेगी तो आप T4 को थायरोक्सिन कहिएगा, लेकिन इन जनरल यू हैव टू से द बोथ आर थायरोक्सिन, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ गया कि हमारा जो हार्मोन थायरोक्सिन है, या थायरोक्सिन कहें या T3 और T4 कहें, इट इज सिक्रीटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स या थायराइड फॉलिकल और थायराइड। अभी तक हम सिर्फ कहते हैं सर थायराइड से निकलता है, ध्यान नहीं देना चाहते थायराइड में किस पार्ट से निकलता है, तो वो फॉलिकुलर सेल कहिएगा या थायराइड फॉलिकल कहिएगा। सर यही हार्मोन है जो आयोडिनाइज्ड हार्मोन है, कभी आयोडीन का जिक्र होगा तो सर हम इसी जगह कहेंगे आयोडिनाइज्ड हार्मोन, आयोडिनाइज्ड। जो आयोडीन की बात कर पाएंगे। दूसरा जरा पैरा फॉलिकुलर सेल देखिए, यहां से एक दूसरा हार्मोन निकलता है उसे नाम देते हैं हम लोग थायरो, जो कि थायराइड से है, कैल्सीटोनिन। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो हम सिर्फ कैल्सीटोनिन भी बोलेंगे, और यही बोला भी जाता है क्योंकि हम थायरो बोलेंगे तो पता चल जाएगा थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड नहीं पता चले तो कैल्सीटोनिन, शॉर्ट में इसी को हम लोग TCT कहते हैं। तो जो हमने अभी आपसे कहा था कि ग्लैंड पढ़ेंगे तो हार्मोन का नाम आना चाहिए, तो अब अगर गिना जाए तो हमारे पास 3 हार्मोन हो गए, T4, T3 और कैल्सीटोनिन। ये जरूर दिखना चाहिए कौन सा हार्मोन कहां से निकल रहा है। लेकिन ये जो कैल्सीटोनिन आप पढ़ते हो ये नॉन आयोडिनाइज्ड हार्मोन है, यहां पर आयोडीन नहीं पाई जाती, नॉन आयोडिनाइज्ड हार्मोन। तो ऑन जनरल जब हम कहते हैं थायराइड हार्मोन तो बेसिकली हमारा पर्पस थायरोक्सिन होता है, लेकिन गुनाह नहीं है, थायराइड हार्मोन में ये भी आ जाता है। लेकिन अक्सर हम आदत डालते हैं कि जब मुझे ये हार्मोन कहना होगा तो हम स्पष्ट कैल्सीटोनिन कहा करेंगे, या फिर नाम दें नॉन आयोडिनाइज्ड थायराइड हार्मोन। ओके, अब इसी पॉइंट को फिर देखें, जब हम ये कहने को तैयार हैं कि सर ये आयोडिनाइज्ड हार्मोन आयोडीन चाहिए, तो लोग कहते हैं सर कितना आयोडीन चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि हम आयोडीन ही आयोडीन खाते रहें। तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है आयोडीन की, पूरे दिन भर में तकरीबन हमको सर 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन चाहिए होता है, आयोडाइड के फॉर्म में चाहिए होता है, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है।
बहुत जरा सा, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मिलीग्राम में नहीं लिख रहा हूं, ये बता रहा हूं, लेकिन चाहिए जरूर। या आयोडीन कम हो जाएगा तो आपके पास हार्मोन कम हो जाएगा। तो ये बातें तो शायद आप जब डायग्राम बनाएंगे तो दिख जाए कि कौन सा हार्मोन कहां से निकलता है। तो मैं सीधे आपको हार्मोन के फंक्शन बताऊंगा और फंक्शन बता के उससे रिलेटेड बीमारियां। तो पहली हेडिंग है हमारी आयोडीनाइज्ड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, आयोडीनाइज्ड थायराइड हार्मोन। इसमें आपके पास दो नाम है, ये अभी पीछे आप डायग्राम में देख रहे थे, T4 एंड दूसरा नाम है T3। ये भी आपने देखा कि हमारा जो T4 है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है और T3 बहुत कम होता है, लेकिन ये जरूर है कि सर T3 जो होता है T4 की तुलना में ज्यादा एक्टिव होता है, मोर एक्टिव। फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये एक्टिव ज्यादा होता है। तो जब हमारी फिजियोलॉजी में, बॉडी फिजियोलॉजी में थायरोक्सिन काम करने आता है तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। पहले T4 T3 में कन्वर्ट होता है, तब फिजियोलॉजी में इसका रोल होता है डीआयोडीनेशन, आयोडीन अपना एक रिमूव कर देता है। तो हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं, यानी थायरोक्सिन कहिए, T4 कहिए या T3 कहिए, फंक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा इसके फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन है जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे हर बच्चे को पता है थायरोक्सिन रेगुलेट्स आवर DMR, लेकिन हम वो भाषा नहीं लिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे याद करें कि सर थायरोक्सिन इज ए कैलोरीजेनिक हार्मोन। हमारे शरीर में वो सारी कोशिश करता है जिससे हमारे यहां कैलोरी प्रोड्यूस होती है। तो कैलोरी प्रोड्यूस होने का मतलब मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब एनर्जी। अब अगर आप इसे जोड़ देंगे तब आगे कह सकते हैं कि आपका BMR मेंटेन करता है। यस, बेसल मेटाबोलिक, वो कैसे करता होगा ये बात भी जोड़िए। तो ये क्या करता होगा, इट इंक्रीजेस या मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ बे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, सबकी मेटाबॉलिज्म करता होगा भाई। एनर्जी के सोर्स तो तीनों है ना, ये अलग बात है प्रोटीन से कॉमनली आप एनर्जी प्राप्त नहीं करते हो, बट यू कैन। तो ये इसका पॉइंट हुआ कि थायरोक्सिन हमारे शरीर में कैटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट करता है जस्ट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी एंड मेंटेन से BMR। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैन में ये पॉइंट नहीं है। ये हमारे यहां मेटामॉर्फोसिस भी कराता है, मेटामॉर्फोसिस आपने नाम सुना हो कभी। बहुत सारे जानवर हैं जिसमें लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लार्वा से एडल्ट कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और इस प्रक्रिया के लिए आपको ये हार्मोन की जरूरत पड़ती है। मैं बात करूंगा फ्रॉग के लिए। फ्रॉग अगर आप पढ़ें तो वहां बड़ा बेहतरीन है, वैसे बहुत सारी जगह पर है, इंसान में नहीं है। तो अगर किसी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए या थायरोक्सिन की कमी हो जाए, या मैं कहूं लार्वल स्टेज में आप अपने थायरोक्सिन को हटा लीजिए, थायराइड ग्लैंड को हटा लीजिए, तो जब थायरोक्सिन नहीं होगा तो ये लार्वा आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर लार्वा कभी ऐसा हो, लार्वा लार्वल स्टेज में ही बना रह जाए, आगे कन्वर्ट ना हो पाए, इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग नियोटिनी। फेल्योर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जहां मेटामॉर्फोसिस होती है अगर उस जगह मेटामॉर्फोसिस ना हो पाए तो लार्वा लार्वल स्टेज में ही बचा रह जाएगा, उसी को हम कहते हैं नियोटिनी। फिर इसका एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्कूल अच्छा किया होगा तो आपने इसका स्पेसिमेन भी देखा होगा, एक्सोलाइटल लार्वा। एम्फीबिया जगह पर आप पढ़ेंगे एक्सोलाइटल लार्वा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है नियोटिनी का। और ये एक्सोलाइटल लार्वा लार्वा है किसका, इज ए लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा, एक एम्फीबिया है एम्बाइस्टोमा। तो मैंने दूसरा पॉइंट आपसे कहा कि सर जो थायरोक्सिन हार्मोन है इट इज ए रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस,
फिर हमने आगे बढ़ा ली बात कि अगर कभी थायरॉक्सिन की कमी हो जाए किसी भी वजह से तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, तो लार्वा लार्वल स्टेज में ही बचा रह जाएगा, उसी को हम कहते हैं नियोटिनी। और एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्सोलाइटल लार्वा जो एम्बास्टोमा का एग्जाम्पल है। सर तीसरा पॉइंट देखें, सर ये हमारे यहां इराइथ्रोपोइसिस कराता है, समझ पाए, आरबीसी फॉर्मेशन। और लॉजिकल है क्योंकि अगर आप अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं, मेटाबोलिक्रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो सर ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए होगी, तो उसका ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में जो है कैलोरी जनरेट हो सके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आता है कि ये हमारे यहां फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, क्योंकि जब आप मेटाबॉलिज्म करोगे ज्यादा तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो ज्यादा निकलेगा, तो एक्सक्रीशन या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कह सकते हैं, ये वेस्ट को भी ये रेगुलेट करेगा। ये इसी का पॉइंट है भाई, अगर कभी भी आप मेटाबॉलिक रेट बढ़ाओगे तो वेस्ट निकलेगा। मैं एग्जांपल भी बता सकता हूं, जब आप थोड़ी देर खेलते हैं तो खेलने के दौरान मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता होगा, तो वेस्ट बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो वेस्ट आपके शरीर से निकाला जाएगा। दो तरीके हैं, या तो आप पेशाब करिए और या फिर आप स्वेटिंग करिए। दोनों ही प्रक्रिया होती है, शुरुआत में आप स्वेटिंग करना शुरू करते हो, अगर उससे पॉसिबल है तो ठीक है, और नहीं तो अगर आपने थोड़ा पानी ठीक ठाक पिया है तो खेलते खेलते या खेलने के तुरंत बाद आपको पेशाब स्वाभाविक लग जाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी भी उसे शरीर से बाहर निकालती है। और अंतिम पॉइंट है कि इट मेंटेन्स आवर मेंटल एक्टिविटी, हमारा दिमाग जो है वो बेहतर काम करे, बेहतर इसका डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। यानी जिन लोगों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी उनका मानसिक विकास बेहतर नहीं होगा। ठीक, तो पांच फंक्शन हो गए हमारे पास। एक कह रहे हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन है बिकॉज इट मेंटेन्स बीएमआर बाय प्रमोटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। दूसरा नाम है मेटामॉर्फोसिस प्रमोट करता है, और अगर मेटामॉर्फोसिस रुक गई किसी वजह से तो उस स्टेज को नियोटिनी। तीसरा इट प्रमोट द इरेथ्रोपोइसिस। चौथा इट मेंटेन्स एक्सक्रीशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और पांचवा मेंटल एक्टिविटी। तो पांचों फंक्शन याद रखिएगा। अगली हेडिंग है डिजीजेस रिलेटेड विद थायरॉक्सिन। कौन कौन से बीमारियां हैं हमारे पास इससे जुड़ी हुई, तो इसमें आपके पास अगर बीमारियां आपको याद करनी हो तो एक मैं आपको न्यूमोनिक्स बता सकता हूं जिससे आप कुछ हद तक याद कर लेंगे। जैसे एक टीटीसी है, चीफ मिनिस्टर शीला जी के पति हैं, ये इसका न्यूमेनिक्स है। टीटीसी सीएम चीफ मिनिस्टर शीला जी के पति हैं। सामान्यतः आप देखेंगे हमारे यहां पर राजनीति में कई महिलाएं हैं, लेकिन अक्सर उनको जो डोर है उनकी उनके पति के हाथ में। वो आप अगर थोड़ा सा भी समाज की तरफ देखेंगे तो हम कहते जरूर हैं कि महिलाएं आ जाएं आगे, लेकिन आने देता नहीं पुरुष। वो आगे दिखेगा कोई और, लेकिन वास्तव में कोई और होगा, वही है ये। तो इसमें हमने अभी आपको डिकोड अगर करना हो तो टीटीसी तो मैं डिकोड कर चुका, ये हार्मोन के नाम है T4 T3 और कैल्सिटोमिन। और आगे वाली जो शब्द लिखे हैं सीएम शीला जी के पति हैं, तो ये इनकी बीमारियां हैं। हमें आपको कुछ छह बीमारियां इसमें पढ़ानी है, वो छह बीमारियां सीएम शीला जी के पति में दिख रही हैं। देखिएगा इसमें हम बीमारी जो दिखाएं तो हम इसको दो कैटेगरी में आपको दिखा रहे हैं। एक कहलाएगी हाइपोथायरॉइडिज्म,
यानी जो थायरॉक्सिन की कमी से होती है तो उसे बोलेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म, और जो थायरॉक्सिन की अधिकता से होगी उसे हम बोलेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म। कमी से होने वाली हम आपको चार बीमारियां बता देंगे। जैसे पहली बीमारी आती है क्रिटिनिज्म, बेहद इंपॉर्टेंट बीमारी है। आप इसके अंदर की बातें भले आप एक बार भूलने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये जरूर याद आना चाहिए, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू हाइपोथायरॉइडिज्म। और दूसरा बीमारी का नाम है निक्जोडिमा। दोनों की दोनों हाइपोथायरॉइडिज्म से हैं। निक्जोडिमा तो चीफ मिनिस्टर हो गया। दूसरी बीमारी आती है दैट इज सिंपल ग्वाइटर, जो सरल घेंघा रोग, जिसे आपने गांव वगैरह में कभी देखा होगा, शहरी इलाकों में कम होती है लेकिन अब गांव में भी बहुत कम होती है। और चौथी बीमारी है हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो डिजीज, शीला इसमें आ गई। तो क्रिटिनिज्म हो गया, निक्जोडिमा हो गया, एस फॉर सिंपल ग्वाइटर हो गया, एच फॉर हाशिमोटो। अब हाइपरथायरॉइडिज्म में देखें तो यहां पे आपके पास दो बीमारियां हैं। एक कहलाती है ग्रेव्स डिजीज और दूसरी कहलाती है प्लूमर्स डिजीज। तो जी फॉर ग्रेव एंड जी फॉर जी, और पतिदेव जो है वो प्लूमर है, तो आप सारी बीमारियां जोड़ लीजिए। ग्रेव का हालांकि एक नाम और रखा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। अभी हम आपको अंदर भी बातें बता देंगे, पहले याद तो हो। तो अब आपके पास जो हमने आपसे चैप्टर में कहा था कि जब भी आप को एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़िए तो ये जरूर ध्यान दीजिए कौन कौन सा हार्मोन है और उनकी कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग डिजीज है आपकी। तो हमारे पास हार्मोन के नाम पे तीन थे, तो टीटीसी हो गया और सीएम शीला। तो सीएम जो शीला है उनमें चार हाइपो आ गए, और जी के पति जो हैं वो जी फॉर ग्रेव एंड पति फॉर प्लूमर। क्लियर? तो अगर कभी पढ़ाइए तो बच्चा इस तरह के पॉइंट से बड़ा इंप्रेस होता है, सोचता है ये बड़ा बढ़िया मेथड पढ़ा रहे हैं शॉर्टकट, बट हम कभी इसको अप्रिशिएट करते उड़ते नहीं है। तो हम पूरे अपने सब्जेक्ट में देखेगा, हमने न्यूमेनिक्स आपको बहुत कम बताए हैं, मैं आदत में नहीं है, चाहूंगा तो हमारे पास भाषा के न्यूमेनिक्स है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या होती है, ये तब याद आएगा जब आपको पहले से पता हो T3 T4 और क्या सिचुएशन। जब आप ये पढ़ लेते हैं तब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। सी फॉर क्रिटिनिज्म होता है, ये कहां से पता आपको, पहले क्रिटिनिज्म आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। जब आप पूरा पढ़ लीजिए तब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़िए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बिना इसको पढ़े कह दो याद कर लो थायराइड का मतलब टीटीसी शीला जी के पति हैं, तो ना शीला याद आएंगे, ना पति आएंगे, ना जी आएंगे, ना सीएम आएगा, ना टीटीसी आएगा, कुछ याद और नहीं आता। और ऐसे अगर 150 जूलॉजी में पढ़ लिया तो सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो क्लास इंप्रेसिव जरूर होती इस तरह से, लेकिन एग्जाम इंप्रेसिव नहीं होता, इसलिए कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब फायदे तब आते हैं जैसे आप पढ़े हुए हैं सब कुछ, और थोड़ा भूलने का कहीं डर है, कंफ्यूजन का कुछ डर हो रहा है, एक आध कोई शब्द गायब हो रहा है बीमारी, तब आप उसे जोड़े रहेंगे तब तो इंप्रेसिव है। लेकिन खाली वही पढ़ के निकल लो कह दो अब हम पढ़ चुके तो गलत है। अब इनमें जरा लक्षणों को देखिए, जो हाइपोथायरॉइडिज्म में थायरॉक्सिन कम होता है तो यहां पर बच्चे का शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट दोनों बहुत कमजोर होता है, यानी बच्चा जो होगा फिजिकली और मेंटली दोनों वीक होगा, मेंटली वीक, क्योंकि हमने कहा था ना मेंटल एक्टिविटी भी कम होगी। शारीरिक विकास नहीं होगा तो बच्चा नाटा सा होगा और ये बच्चा डॉर्फ होगा, बौना बच्चा कहलाएगा। और जो थायरॉक्सिन की कमी से बौनापन नजर आता है सर, ऐसे बच्चे को हम लोग क्रिटिन कहते हैं। प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बौना आपको और मिलेगा जब आप पिट्यूटरी पढ़ेंगे, वहां पे बौने का नाम है मिड गेट,
ये दूसरा बौना है, दोनों बौने होते हैं, लेकिन यहां पर जो बौना होता है वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट यहां पे कमजोर होता है, मेंटल डेवलपमेंट कमजोर नहीं होता। इट्स ए डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन कम होता है। ग्रोथ हार्मोन का सिर्फ शारीरिक विकास पर रोल है, मानसिक विकास पर कोई रोल नहीं। ये बौना आपको आपके साथ वो सारे काम करता हुआ नजर आएगा जो आप करते हैं। तो लोग सवाल पहले मजाक में पूछते थे, कौन सा बौना सर्कस में दिखाई देता है? तो मिडगट, क्योंकि सर्कस वाला बौना बुद्धिमान होता है, बस शरीर से छोड़ा छोटा होता है। तो मेंटली खाली वीक है, फिजिकली वो वीक, सॉरी फिजिकली खाली वीक है, मेंटली वीक नहीं है। तो ये दो बौने हम क्रिटिन की खाली बात कर रहे थे। अच्छा, ये आएगा कब? ये क्रिटिन तब डेवलप होगा जब ये आपके हाइपोथायरायडिज्म ये हमारी इन्फेंट अवस्था में आ जाए, एकदम शुरुआत में आ जाए, जब हम दो चार छह महीने के हों, या हमारी फीटल लाइफ में आ जाए, फीटस वहां पर हो। भाई शुरुआत में मानसिक डेवलपमेंट तो 5 साल पे हो जाता है हमारा, तो अगर उस दौरान हमारे में आयोडीन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन की कमी हो जाए, तो सर हम फिर मेंटली और फिजिकली वीक होंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका मतलब इज टॉकिंग अबाउट द फीटस। यही आपकी कमी अगर एडल्ट अवस्था में हो जाए, जैसे मेरी एज में हो जाए, तो अब हम नाटे थोड़ी ना हो जाएंगे कि घिस जाएंगे हम, ना हमारा आईक्यू लेवल अब कम हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो डॉर्फिज्म हम में नहीं आती है। तो सर हमारे में एक शब्द इस्तेमाल होता है इडिमा, इडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। तो जहां एडल्ट की बात आएगी वो है मेक्सोडिमा, और यहां पर आपके पास सर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है। हमारी स्किन के नीचे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका एकुमुलेशन हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा फूले से दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग कई बार कहते हैं कि हमारा शरीर देखकर मत डरो, पानी भरा है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है, तो वो सुस्त होंगे, एकदम स्लगिश पड़े होंगे, एनर्जी कम है उनमें। तो कहते हैं शरीर देखकर आप मुझे डरिए नहीं, हम शरीर तो खाली पानी भरा है। फैट और इडिमा में अंतर है, फैट को ओबेसिटी कहते हैं, और जब पानी एक्सेस और फूड भरता है तो उसे इडिमा कहते हैं। तो यहां मिक्सोडिमा है, आपका शब्द यहां पे है, क्रिटिनिज्म भी हाइपोथायरायडिज्म है और मिक्सोडिमा भी है, बट डिफरेंस इज क्लियर कट कि सर क्रिटिनिज्म इन्फेंट अवस्था में मानसिक डेवलपमेंट पूरा होने से पहले, और ये एडल्ट अवस्था में आपकी या हमारी एज में हो जाए तो आप भी अब बौने थोड़े ना हो जाओगे। ये दोनों बड़ी आसान बीमारी हैं। ग्वाइटर तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये ऐसी बीमारी जहां डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हमारी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर जाती है, जिसे हम सरल भाषा में घेंघा कहते हैं। ये सिंपल ग्वाइटर है। और हाशिमोटो डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप समझ पाएंगे, हमारी एंटीबॉडीज हमारे ही खिलाफ काम करने लगती हैं, जिससे थायराइड ग्लैंड ऑटोमेटिकली डीजनरेट होने लगती है। जब थायराइड ग्लैंड डीजनरेट होने लगेगी तो जाहिर है धीरे धीरे थायरॉक्सिन भी तो कम हो जाएगा, तो चारों बीमारियां हो गई। बहुत गहराई में मत जाइएगा, नहीं तो आपको नहीं रिटेन हो पाएगा। सिर्फ एक एक दो दो लाइनों में रहिए कि पहले आप याद करें हाइपोथायरायडिज्म इज 3-4 डिजीज, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडिमा, सिंपल ग्वाइटर, हाशिमोटो। लेकिन इंपॉर्टेंट यही दो हैं, नीचे वाली बहुत कम पूछी जाती है क्योंकि आसान है। ये आयोडीन वाली बात तो आपने एकदम बचपन से पढ़ी होगी। ये हाशिमोटो नाम दे रहे हैं, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसको सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। ये दो बस अंतर याद रखिए, क्रिटिनिज्म आपके बचपन की अवस्था में शुरुआत में, और मिक्सोडिमा एडल्ट में। ठीक, जो हाइपरथायरायडिज्म है ये थायरॉक्सिन इसमें ज्यादा होता होगा, लोगों को भरोसा नहीं होता, इट्स ए टाइप ऑफ कैंसर, क्योंकि कई जगह पर हम अनजान होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे 2-3 बीमारियां हैं आप समाज में देखें तो लोग खूब बताते हैं, शान से बताते हैं, कहते हैं हमको शुगर है,
इस बीमारी को बताना, मतलब उनको लगता है कुछ है नहीं, मतलब लेकिन इंप्रेशन आप पे अच्छी डालते हैं। कहते हैं हमको बीपी की प्रॉब्लम है और कहते हैं हमको थायराइड की प्रॉब्लम है। फिर पूछो थायराइड कम है कि ज्यादा, तो अक्सर लोग कहते हैं इससे हमको नहीं पता, बस प्रॉब्लम है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। अगर आपका थायरॉक्सिन कम होगा तो आपका शरीर सुस्त होगा, कैलोरी कम होगी, बैठे बैठे नींद आती रहेगी, जिसकी वजह से कुछ बच्चे क्लास में नहीं सोते रहते हैं अक्सर। तो संभवतः, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीमार हैं, लेकिन हो सकता है उनमें थायरॉक्सिन कम होगा, तो जहां बैठेंगे एनर्जी लगेगी नहीं, उनको नींद आती रहेगी। और इनमें थायरॉक्सिन ज्यादा होगा, उनको नींद इनको आती ही नहीं है, वो रात में सोने की भी कोशिश करते हैं, एक्साइटेड फेज में है ना। तो इससे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें कि थायरॉक्सिन बढ़ा है या घटा है। और थायरॉक्सिन बढ़ा है तो जाहिर है सेल्स ज्यादा हैं, तो ट्यूमर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि सर हमारा थायराइड आजकल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उससे कहते तुमको कैंसर हो गया, ड्रामा छोड़ो ये नहीं। तो आप कैंसर का मतलब क्या समझते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ट्यूमर ही तो है। तो अगर यहाँ की 10-20 सेल, 20-25 सेल बढ़ गई हैं, बढ़ जाने से आपको थायरॉक्सिन ज्यादा निकल रहा है, इट मे कैंसर। दोनों बातें, या तो सेल की संख्या बढ़ गई होगी या इनका सिर्फ सिक्रीशन बढ़ गया होगा। लेकिन कोई भी कैंसर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा कैंसर होगा, लेकिन कैंसर में इस तरह के सिम्टम आते हैं। लेकिन इन दोनों जगह पर आपके पास वो हाइपर एक्साइटेटरी वाले सिम्टम आएंगे। लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सर यहां भी सब थायराइड ग्लैंड बढ़ेगी और यहां भी बढ़ेगी, लेकिन जो ग्रेव डिजीज में थायराइड ग्लैंड बढ़ती है वो यूनिफॉर्म बढ़ती है, जबकि प्लूमर डिजीज में थायराइड ग्लैंड बढ़ती है तो नोड्यूलर फॉर्म में बढ़ती है, लाइक दैट, ऐसे बढ़ेगा वो, कोई इधर लटक रहा होगा, इधर लटक रहा होगा, इधर लटक रहा होगा। तो बढ़ने वाले ग्वाइटर जैसा शब्द तो तीन तीन जगह आ गया, सिंपल ग्वाइटर भी हो गया और हाइपरथायरॉइडिज्म वाला हो गया। तो जब आपको गर्दन में थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई नजर आए, तो आप खून की जांच कराएं, पहले जानें कि सर वो गर्टर है कौन सा है। तो अगर थायरॉक्सिन कम होगा दैट विल बी नोन एज सिंपल, और बड़ा हुआ होगा तो इधर रहेंगे। फिर जब इधर आइए तो टटोल के देख लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट है दैट्स ए ग्रेव, और अगर आपके नोड्यूलर फॉर्म में एनलार्जमेंट है तो प्लूमर्स। लेकिन ग्रेव का एक नाम और रखा है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्स का मतलब होता है बाहर, जो अब नहीं है नॉर्मल से हटके, और ऑप्थैल्मिया का मतलब आंखें। तो इनमें जो आंखें होती हैं थोड़ी बल्ज आउट होती हैं, क्योंकि यहां पर आंख वाला हिस्से में यहां पीछे पानी काफी भर जाता है, एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड, तो आंखें थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आती हैं, तो उसे नाम देते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। क्लियर जी? जी, एक हार्मोन हमारा इसका एक या दो पूरा हो गया, मैं रिपीट कर सकता हूं, ध्यान से सुनिए। थायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने कहा कि सर हमारे पास बाई लोब्ड ग्लैंड है, बोथ लोब आर इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस, लोकेटेड एट द रीजन ऑफ C5 to T1 ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। फिर थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मेनी थायराइड फॉलिकल्स, दैट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स अलॉन्ग विद द पैरा फॉलिकुलर सेल्स। Follicular cells, thyroid follicle secretes the two hormone T4 and T3, and this secretes the only one hormone that's a calcitonin. फिर thyroxine का हमने आपको function बताया है कि जो thyroxine है calorigenic hormone है, आप में BMR यानी metabolic rate को maintain करता है, metamorphosis regulate करता है, RBC का formation बढ़ाता है, physiology of excretion या electrolyte balance maintain करता है, आपके मानसिक development कराता है। इस पर डिजीज में आपको हमने 6 बीमारियां पढ़ाई, 4 हाइपो में और 2 हाइपर में है। हाइपो में 4 क्रिटिनिज्म, मिक्सोडिमा, सिंपल ग्वाइटर, हाशिमाटो, और हाइपर में आपके पास 2 हैं, ग्रेव एंड प्लूमर। यस, इट्स ओके। लिखना भी है क्या? लिखा है, चलिए लिखिएगा। कहां से लिखा है? कुछ लिखाया है? सब कुछ लिखा है ना, सर लिखेगा। थायराइड इज अ, शुरू से लिखिए, लिखा 5 मिनट लगेगा।
थायराइड इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड, बाइलोब्ड ग्लैंड, लोकेटेड एट द रीजन ऑफ C5 to T1, at the region of C5 to T1, next, hang alega iodinized thyroid hormone. Iodinized thyroid hormone. Let's make point. Secreted by thyroid follicle in form of T4 and T3. Next, it is a calorigenic hormone and regulates BMR because regulate metabolism of carbohydrate, fat and protein. Carbohydrate, fat and protein. Next. Regulate metamorphosis. आपको metamorphosis पता होगा, larva से adult बनना. Bracket में लिखेगा, failure of metamorphosis. Bracket में failure of metamorphosis. Is न्यूटिनी. ब्रैकेट में ही लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सोलाइटल लार्वा. ये एनिमल किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो जरूर आएगा. एक्सोलाइटल लार्वा जो एम्बाइस्टोमा नाम के जानवर का लार्वा है, एम्फीविया का मेंबर है वो, एम्बाइस्टोमा. नेक्स्ट, promote erythropoiesis. समझ गए होंगे आरबीसी का फॉर्मेशन. नेक्स्ट, मेंटेन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन and electrolyte balance. And the last point, responsible for development of mental activity. ओके, हैंग अलेगा हाइपोथायरायडिज्म. इसमें पहला नाम क्रिटिनिज्म, इसमें डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन. Deficiency of thyroxin in infant
इन इन्फेंट और इन फीटस। नेक्स्ट, इसी में डॉर्फिज्म बोना, ब्रैकेट में क्रिटिन लिखिएगा, ऐसे बोना को क्रिटिन कहते हैं। आगे डैश के लिखेगा फिजिकली एंड मेंटली वीक, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर होगा। दूसरी बीमारी है मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा इसमें डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट, डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट। नेक्स्ट, इसी में एक्युमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्युमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका होता है जो हमारे बुढ़ापे के लक्षण होते हैं वो समय से पहले आने लगते हैं। भाई मेटाबॉलिक रेट वीक होगा, तो जब मेटाबॉलिज्म होगा तो हम एक्टिव होंगे और जो काम हमें दिया जाएगा हम बेहतर कर लेंगे, और अगर हमारे में मेटाबॉलिक रेट धीमा होगा तो जो काम मेरा है मैं ये काम बड़ा सुस्ती से करूंगा। तो आपको लगेगा कि यार इतने बूढ़े तो है नहीं जिस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं, तो वो मैच नहीं करेगा। तो यही लोग लिखते हैं कि सर ओल्ड एज सिम्टम पहले नजर आ जाते हैं, जैसे कमजोरी लगना, थकान लगना, बाल सफेद हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये है। तो वो लिख नहीं रहे क्योंकि वो सिम्टम्स आपके सिलेबस में उस तरह से नहीं कि एग्जाम में सवाल बनाए। नेक्स्ट, सिंपल ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। Due to deficiency of iodine, due to deficiency of iodine in diet. चौथा नाम है हाशिमोटो, हाशिमोटो डिजीज, और इसके आगे अगर हम सिर्फ लिख दें ऑटोइम्यून डिजीज तो लिखाना नहीं पड़ेगा। ऑटोइम्यून का मतलब हमारे शरीर की एंटीबॉडीज हमारी ही थायराइड सेल के खिलाफ काम करेंगी और उसे डीजनरेट कर देंगी। ठीक, चारों हाइपो हो गई, याद करिएगा तो चारों करिएगा, नहीं तो एको मत करिएगा। इस ग्लैंड के साथ जितने भी चैप्टर हैं इस चैप्टर में यही दिक्कत है कि अगर आपको कोई ग्लैंड पढ़नी है तो ग्लैंड के हार्मोन पढ़ने पड़ेंगे, उसकी डिजीज सारी पढ़नी पड़ेंगे, और नहीं तो पन्ना मोड़िए और अगली ग्लैंड पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो आधा अधूरा मत पड़ेगा, खाली क्रिटिनिज्म हमको आता है, मिक्सोडेमा नहीं आता है, वो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस कभी लाएगी ही नहीं। अब अगली हेडिंग है हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म। दो बीमारी है, पहली डिजीज है ग्रेव डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, इसी को दूसरा नाम भी दिया गया है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। तो यहां पे हमने कहा कि हमारा जो थायराइड है वो इनलार्ज तो होगा ही होगा, नोड्यूल, लेकिन यूनिफॉर्म होगा और अलोंग विद आंखें बाहर निकली हुई नजर आएंगी। यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अलोंग विद प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल,
प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अलोंग विद प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन का मतलब बाहर निकल आना, ऑफ आई बॉल। अगली बीमारी प्लूमर्स डिजीज, प्लूमर्स डिजीज, इसमें नोड्यूलर इनलार्जमेंट, नोड्यूलर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो बात समझ में आ गई आपको? अब आप इसको पढ़ के एक बार इसे पढ़िएगा, देखिएगा ये आपको बहुत इंप्रेस करेगा। एक लाइन में लगेगा याद करते हुए, T3, T4 कैल्सिटोनिन, क्रिटिनिज्म मिक्सोडेमा, सिंपल ग्वाइटर, हाशिमाटो, ग्रेव एंड प्लूमर। तो अगर कभी भूलने लगेंगे तब आपको याद आएगा, चलो पी से कोई बीमारी है, जी से कोई बीमारी है, एच एस से है, एम से है, सी से है, बस इतनी ही मदद करता और कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करता है। यस।